हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स पावर ऑफ अरेस्ट रेट अंडर पीएमएलए, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो बेसिकली ये एक्ट क्या है? तो ये एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। सबसे पहले आइए जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। तो व्हेन वी जब हम पैसा गलत तरीके से कमाते हैं, व्हेन वी अर्न मनी विद रॉन्ग प्रोसेसेस और प्रैक्टिसेस, और फिर इन पैसों को जब हम व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो जो पीएमएलए एक्ट है ये इस मनी लॉन्ड्रिंग की जो प्रोसेस है या फिर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको रोकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये इक्वल है टू टेररिज्म, ये बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है, टेररिज्म से भी ज़्यादा खतरनाक है ये मनी लॉन्ड्रिंग। तो सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को सपोर्ट करती है। बहुत सारे सेक्शन हैं इसके अंडर, जैसे कि सेक्शन जो 3 है ये इसको डिफाइन करती है। सेक्शन 24 रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ, दैट मीन्स ये इसको इंश्योर करती है कि अगर कोई इनोसेंट पीपल को अरेस्ट किया जाए गलती से तो वो उस पर जांच करती है कि कोई इनोसेंट पीपल को पकड़ा ना जाए। सेक्शन 5 क्या करती है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, दैट मीन्स अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोई पकड़ा जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा चीज़ इसमें बताया कि नो बेल विल बी गिवन टू द मनी, जो अरेस्ट किए जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में उसको कोई भी बेल नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ ही जो इसमें अरेस्ट होते हैं उनको कोई भी इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा, उसको देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई किसी को अरेस्ट किया जाता है तो हम जो FIR रिपोर्ट है या फिर अरेस्टिंग जो पेपर होता है वो शो करना पड़ता है, लेकिन अगर इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे किसी भी तरह का रिपोर्ट शो नहीं किया जाएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को एक्ट को हैंडल करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है। इसी के साथ साथ जो हमारा FEAFEN है, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसको भी रेगुलेट करती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में जाने तो ये एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है, और इसे जो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है इसे 1956 में एस्टैब्लिश किया गया था। थैंक यू।